गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाए थे, उससे संबंधित मैंने आपको काम भी दिया था। आपको अपनी कॉपी में यानी पर्यावरण की कॉपी में स्वर और व्यंजन लिखने थे, वो काम आपने कर लिया होगा। मेरा अभिभावकों से भी निवेदन है कि ये बच्चे छोटे हैं तो आप लोग इनका काम करवाएं और इनकी पढ़ाई से संबंधित जितनी हो सके मदद करें ताकि बच्चे पढ़ाई के संपर्क में बने रहें। चलिए तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिना मात्रा वाले शब्द। आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? बिना मात्रा वाले शब्द। यानी कल आपने स्वर व्यंजन पढ़ लिए, काम भी कर लिया, तो आज अपन किताब पढ़ना सीखेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, कल आपसे मैंने पूछा था ये क्या है, तो आपने बताया था ऐसे मैं आज आपको पढ़ना सिखाऊंगी। दो शब्द हैं ये, तो आपको बताना है ये क्या है बच्चों, बताइए। अ, और ये क्या है बच्चों? ब। तो इसको अलग अलग पढ़ा, लेकिन अब हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। तो अ ब, इसको एक साथ पढ़ेंगे तो अब क्या हो गया बच्चों? अब। वैसे इसको बताइए कौन सा अक्षर है बच्चों? क। और ये ल। अलग अलग क और ल बोलेंगे, लेकिन इसको जोड़ के पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे इसको? कल। ऐसे ही ये कौन सा अक्षर है बच्चों, बताइए? ज। ये कौन सा? ब। ज ब, यानी इसको हम जोड़ के पढ़ेंगे तो जब। ऐसे ही ये अक्षर फ, ये ल, इनको जोड़ के पढ़ेंगे फल। म त, तो इसको जोड़ के बोलेंगे मत। च ख, बच्चों अक्षर पहचानते जाइए, अक्षर आपको बहुत जरूरी है पहचानना। इसको कौन सा अक्षर है ये? च, ये ख। चख, ये अक्षर कौन सा है? घ, ये वाला र। वेरी गुड। घर, जोड़ के इसको कैसे बोलेंगे? घर, ये अक्षर प र, तो इसको एक साथ बोलेंगे पर। च ल, च ल, अलग अलग च और ल है, लेकिन इसको एक साथ बोलेंगे चल। ये वाला अक्षर बच्चों कौन सा है? र, र, और ये थ, तो ये अलग अलग अक्षर है, लेकिन इनको जोड़ के बोलेंगे रथ। र थ, रथ। प र, अक्षर पहचान रहे हो? प र, पर। च ड, चढ़। ये आपको अक्षर पहचानने अगर आते हैं तो आप दो अक्षर के, तीन अक्षर के सभी जो हमारे शब्द हैं वो पढ़ सकते हैं। एक बार मैं आपको एक साथ ये बुलवाऊंगी। इसके आगे आपको एक बार ये पहले यहाँ पर अक्षर पहचानने मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चों, देखिए इसको, ये कौन सा अक्षर है? ख, त, खत, ये बोलो। ज, ग, जग, न, ल, नल। अक्षर पहचानने ये कौन सा अक्षर है? ह, ह, ठ, हठ, म, त, मत, क, र, कर। ये कौन सा अक्षर है? न, भ, नभ, एक साथ बोलेंगे नभ। आ, म, ये अक्षर कौन सा आ गया? आप बोला था ना आपने, कौन सा अक्षर था ये? आ, और ये म, तो एक साथ बोलेंगे आम। छ, अक्षर कौन सा है ये? छ, और ये वाला त, छत। ये भ, ये र, यानी पूरा बोलेंगे भर। अभी अक्षर पहचानो बच्चों, ये कौन सा अक्षर है? म, ये वाला द, ये वाला, वेरी गुड, न। तीनों को एक साथ कैसे बोलेंगे? म द न, यानी मदन। ये वाला र त न, अक्षर पहचानने र त न, एक साथ बोलेंगे रतन। क्या बोलेंगे इसको? रतन। ऐसे ये कौन सा अक्षर है बच्चों? ज त न, एक साथ कैसे बोलेंगे? जतन। मा
ग न। अक्षर पहचानो, म ग न। एक साथ बोलो मगन। ऐसे ये अक्षर पहचानो कौन सा है, ख ये वाला, ब और ये र। एक साथ कैसे बोलेंगे इसको, खबर। ये आपके अक्षर है जो कि आप पहचान कर इनको पढ़ सकते हो। कैसे बोलोगे अब एक साथ मेरे साथ बोलना, कैसे बोलोगे, अब कल जब फल। हाँ बच्चों, मैं लगातार बोल रही हूँ, आप नहीं बोल रहे हो, मेरे साथ आपको बोलना है। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ बोलना है, हालांकि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ लेकिन फिर भी आपको मेरे साथ बोलना है, क्योंकि आपको जैसे जैसे मैं बुलवाऊँगी वैसे वैसे आप बोलते जाएंगे तो आपको पढ़ना भी आएगा। चलो बोलिए मेरे साथ, अब बोलो, अब कल जब। हाँ बच्चों, चलो मेरे साथ बोलोगे, बोलोगे, बोलो अब, अब कल, कल बोलो, साथ के साथ बोलना है आपको। ये क्या है, जब, जब। हाँ इधर देखो, बोलो इधर, फल मत चख। ये पूरा कैसे एक साथ पढ़ोगे आप, फल मत चख। आगे देखो, घर, बोलो घर पर चल। कैसे बोलोगे, पूरा बोलोगे इसको, घर पर चल। ये दो दो अक्षर के जो है इनको एक साथ आप पढ़ोगे किताब में तो कैसे बोलोगे, घर पर चल। आगे देखो, क्या बोलोगे इसको, रथ, बोलो मेरे साथ, सभी बोलो एक साथ, रथ पर चढ़। पूरा बोलो एक साथ, रथ पर चढ़। साथ साथ बोलोगे आगे। हाँ पढ़ो इसको, कैसे पढ़ोगे, खत, इसको पढ़ो, जग नल, खत जग नल, बोलो। हाँ आगे बोलो, हठ, इसको बोलो, क्या बोलोगे इसको बच्चों, हठ, इसको मत कर। आप हट करते हो ना, जिद करते हो ना बाहर जाने की, लेकिन बाहर नहीं जाना है अभी, हट मत कर। आगे देखो, इसको पढ़ो, क्या है ये, नभ, नभ आम, ये अक्षर आ है, आम छत। फिर बोलो, नभ आम छत, बोलना है साथ के साथ बच्चों। फिर भर, कैसे बोलोगे इसको, बोलो एक बार, हाँ ऐसे, वेरी गुड, भर मदन रतन। अब यहाँ पर तीन आ गए हैं, कितने अक्षर आ गए हैं, तीन, मदन रतन। आगे पढ़ो, जतन, कैसे बोलोगे, बोलो जतन, जतन। फिर मगन, मगन खबर, खबर, कैसे बोलोगे, जतन मगन खबर। ये आपने, हाँ बच्चों देखो आपने ये पढ़े हैं, मैंने पढ़ाए, आपने साथ साथ मेरे बोले, आपको यही काम कॉपी में करना है। इसको आप अपनी पर्यावरण की कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। आज का HW आपका यही होगा। ये दोनों जो दोनों तरफ बोर्ड पे मैंने जो लिखा है, आपको यही काम कॉपी में उतारना है। आपकी कॉपी ऐसी टू लाइन की होती है, एक मोटी लाइन और एक पतली लाइन। तो आपको किस में लिखना है बच्चों, बीच वाली लाइन जो होती है पतली, उसमें लिखना है पूरा टच करके, ऐसे पूरा टच करके लिखना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में जमा जमा कर काम करना है और याद भी करना है। देखो बच्चों, आपको पता है मैं वैसे आपको पर्यावरण यानी EVS पढ़ा रही हूँ, लेकिन EVS
के पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको हिंदी से संबंधित जानकारी यानी किताब पढ़ना कैसे आपको आएगा वो सिखा रही हूँ। इसलिए आपको जो काम मैं दे रही हूँ वो आपको कॉपी में ज़रूर करना है। आप किताबें ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए। मम्मी पापा से कहिए, अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि बच्चों को किताबें दिलाएं। किताब अगर होगी तभी बच्चा काम भी कर सकता है और पढ़ाई भी करेगा।